आत्म निरीक्षण। साधक प्रत्येक दिवस के अंत में विचार करें, मैंने क्या सत्कर्म किया है और क्या नहीं किया है, और वह कौन सा कार्य है जिसे मैं क्षमता होते हुए भी नहीं कर पाया। आत्मालोचन, जिस प्रकार बालक बोलता हुआ अच्छे व बुरे किए हुए कार्य को सरलता से कह देता है, उसी प्रकार सरलता से अपने दोषों की आलोचना करने वाला व्यक्ति माया व घमंड से मुक्त होता है। प्रायश्चित, व्यक्ति जान में कोई अधर्म कार्य कर बैठे तो अपनी आत्मा को तुरंत उससे हटा ले तथा ऐसी प्रतिज्ञा करे कि वह ऐसा कार्य पुनः नहीं करेगा। यही प्रायश्चित है। बंधुओं, अब हम ज्ञान और चरित्र पर बात करेंगे। ज्ञान, मनुष्य ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से उन पर श्रद्धा करता है, चरित्र से कर्मों के आगमन को रोकता है और तप से आत्मा को शुद्ध करता है। सम्यक ज्ञान, जीवन में पहला स्थान ज्ञान का है और फिर दया का। सभी साधु वृंद इसी प्रकार संयम में स्थित होते हैं। अज्ञानी क्या कर सकता है, वह क्या जानेगा कि उसके लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर। ज्ञान क्या है? ज्ञान उसे कहते हैं जिससे तत्व का बोध होता है, चित्त का निरोध होता है तथा जिससे आत्मा प्रकाशित होती है। वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई, वाणी की कमाई सदा रंग लाई। स्वामी तीनों लोकों के प्रभु स्वामी, तीनों लोकों के प्रभु स्वामी, तीनों लोकों के प्रभु स्वामी, शुद्ध ज्ञानी अंतर्यामी। चरित्र विहीन ज्ञान व्यर्थ है और अज्ञानी की क्रिया व्यर्थ है। जैसे पंगु व्यक्ति वन में लगी हुई आग को देखते हुए भी भागने में असमर्थ होने से, और अंधा व्यक्ति दौड़ते हुए भी देखने में असमर्थ होने से जल मरता है। ज्ञान और क्रिया, ज्ञान और क्रिया के संयोग से ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे वन में पंगु और अंधा दोनों परस्पर सहयोग से आग लगने पर भी बच निकलते हैं, केवल एक पहिए से रथ नहीं चलता। आत्महित का मार्ग, साधक सुनकर ही आत्महित का
मार्ग जान सकता है। सुनकर ही पाप या अहित को जाना जा सकता है। अतः सुनकर हित और अहित दोनों को जानकर जो मार्ग श्रेष्ठकर हो उसका भली भांति आचरण करना चाहिए। नींव है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना चारित्र नहीं, चारित्र के बिना कर्मों का क्षय नहीं, और कर्मों का क्षय हुए बिना निर्वाण नहीं। सम्यत्व का लाभ, सम्यत्व प्राप्ति का लाभ तीनों लोकों की संपदा के लाभ से भी अधिक श्रेष्ठ है। कौन है सम्यक दृष्टि? वह व्यक्ति ही सम्यक दृष्टि है जो जानता है कि क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है। सम्यक्त्व से रहित व्यक्ति को सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना सहस्त्रों वर्ष तक उग्र तप करने पर भी बोध नहीं होता। कोमल वाणी वर्धमान की, कोमल वाणी वर्धमान की, कोमल वाणी सुन सुन करते जानी जिनवाणी, 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 जिनवाणी। प्राणी सुनो भव्य प्राणी, 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 सुनो भव्य प्राणी। वीर प्रभु की वाणी शास्त्र ज्ञान जैसे धागा पिरोई हुई सुई गिर जाने पर भी गुम नहीं होता, वैसे ही शास्त्र ज्ञान युक्त व्यक्ति संसार में रहने पर भी नष्ट नहीं होता। सिद्धि ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान से सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। निर्जरा का फल मोक्ष है। अतः सतत ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। श्रेष्ठकर मार्ग धर्म श्रवण से ही आत्मा के हित का और आत्मा के अहित का मार्ग जाना चाहता है। दोनों मार्गों को जानकर जो मार्ग आत्मा के लिए श्रेष्ठकारी हो उसी का अनुकरण करें। जीव का स्वरूप, जो जीव के स्वरूप को नहीं जानता ना अजीव के स्वरूप को जानता है, इस तरह इन दोनों को न जानने वाला संयम को कैसे जानेगा। चरित्रहीन व्यक्ति शास्त्रों का अत्यधिक अध्ययन भी चरित्रहीन व्यक्ति के लिए किस काम का? क्या करोड़ों दीपक जला देने पर अंधे को
कोई प्रकाश मिल सकता है? आचरण का महत्व। तैरना जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जल प्रवाह में गिरने पर हाथ पांव न हिलाए तो वह प्रवाह में डूब जाता है। अतः धर्म को जानते हुए भी यदि व्यक्ति उसका आचरण ना करे तो संसार सागर को कैसे पार कर सकता है? ज्ञान का अंकुश। उच्च श्रृंखल मन एक उन्मत्त हाथी की भांति है, लेकिन इसे ज्ञान रूपी अंकुश से वश में किया जा सकता है।